ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब रुक करेंगे उत्तराखंड एक्सप्रेस का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार सैम पित्रोदा ने 1984 के दंगों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र बसी ने बताया कि भाजपा उनके बयान की घोर निंदा करती है और जल्द ही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी धरना प्रदर्शन भी करेगी। प्रदेश में चार धाम यात्रा को लेकर सरकार की ओर से बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं। वहीं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राज्य में चल रही 108 इमरजेंसी सेवा के प्रबंधक प्रदीप राय ने बताया कि उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग में 108 की अतिरिक्त गाड़ियां लगाई गई है। साथ ही राय का कहना है कि पुराने बेड़े से जो गाड़ियां बेहतर सेवा दे सकती है, ऐसी दोनों गाड़ियों का हर जनपद में अतिरिक्त लगाया जाएगा ताकि बेहतर सेवा दी जा सके। टिहरी झील में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग अब सियासी रंग लेती नजर आ रही है। जहां बीजेपी ने इस मरीना को कांग्रेस का घोटाला करार दिया, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार इस रेस्टोरेंट का सही संचालन नहीं कर पाई और न ही एक्ट को अपना बनाई। कांग्रेस ने सवाल किया कि सरकार जवाब दे कि किसे कि कैसे मरीना रेस्टोरेंट में बैठकर कैबिनेट चली है। वहीं कांग्रेस के सवाल करने पर बीजेपी ने कांग्रेस को उन्हीं के सवाल पे लपेटते हुए कहा कि कांग्रेस ने मान लिया है कि घोटाला उन्हीं की सरकार में हुआ है और जहां तक संचालन का मामला है उस पर सीएम ने कांग्रेस सरकार से लेकर आज तक की सरकार के कार्यकाल पर जांच के आदेश दिए। बता दें कि मरीना बोट 3 करोड़ की लागत बनाई गई। टिहरी के कोट गांव में कुर्सी पर बैठकर खाना खाने को लेकर एससी समाज के जितेंद्र नाम के युवक की पिटाई करने और बाद में अस्पताल में मौत हो जाने के मामले में अब भीम आर्मी मृतक के परिवार के साथ खड़े हो गई है। इसी को लेकर भीम आर्मी ने रुड़की के प्रशासनिक भवन में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है और अभी तक सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और मृतक जितेंद्र की बहन को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम जल्द रुड़की को पूरी तरह से बंद कर देंगे। वही विकास नगर के कोतवाली क्षेत्र के भीमा ताला में राजमा के खेत भीषण आग की वजह से पूरी तरह से जल गए। वहीं आंधी और तूफान के चलते आग के भयानक रूप ले लिया और पास में ही रखे भूसे के ढेर को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से पीड़ित किसान की फसल पूरी तरह से खा। वहीं स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दरअसल भयंकर आंधी तूफान के कारण आग ने भयानक रूप ले लिया और आग लगने से पीड़ित का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बेरीनाग के गांव हीपा में सड़क न होने से लगातार पलायन जारी है। वर्तमान में इस गांव में 100 से भी अधिक परिवार निवास करते हैं। सड़क नहीं होने के से गांव में बीमार और प्रसव पीड़िता महिलाओं को सड़क तक पहुंचने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2 वर्ष पहले सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो सका। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा गांव के लोगों को लगातार भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि सड़क के नाम पर ग्रामीणों को लगातार बार बार ठगा जा रहा है। उन्होंने शीघ्र सड़क के निर्माण नहीं होने पर एक बार फिर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। जहां एक ओर सरकार श्रमिकों के लिए बड़े बड़े दावे और वादे करती है, तो वहीं लालकुआ में विद्युत विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले ठेका श्रमिक अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर है। सुरक्षा के नाम पर श्रमिकों को सिर्फ एक रस्सी के अलावा और कुछ भी नहीं दिया है। इतना ही नहीं, स्थानीय प्रशासन और विद्युत विभाग भी इससे बेखबर है और श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण दिलाए जाने की किसी को भी कोई परवाह नहीं है। श्रमिकों के माने तो वह जिन क्षेत्रों में काम करते हैं वहां सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं, मगर ठेकेदार और विभागीय अनदेखी के चलते तत्ती धूप में बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करना पड़ता है। बता दें कि विद्युत लाइनों को बदलने का काम लगातार चल रहा है और जैसे जैसे दिन चढ़ने लगे हैं वैसे वैसे सूर्य ने भी आग उगलना शुरू कर दिया। ऐसे में 70% वन भूमि में ढके हुए उत्तराखंड में जंगल में आग एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी हुई है। वहीं पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो वहीं जंगलों में लगी इस आग से नुकसान में भी हर साल इजाफा होता चला जा रहा है। बता दें कि अगर बात तैयारियों की है तो सूबे का वन महकमा वनाग्नि को लेकर पहले भी कमर कर चुका है। वन विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक फायर सीजन को देखते हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट किया जा चुका है। वहीं उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा कोतवाली क्षेत्र के बानुसा गांव में एक पुराने जमीन विवाद को लेकर थारू जनजाति के 2 लोगों पर भूमाफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में थारू जनजाति के 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर थारू जनजाति के पूर्व विधायक और खटीमा ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में कई महिलाओं और पुरुष खटीमा कोतवाली में धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर बानुसा के पूर्व प्रधान सुखदेव सिंह लाठी और अन्य 4 नामजदों के खिलाफ एसटीएफ के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपों की गिरफ्तारी का लोगों को आश्वासन भी दिया।
और उधम सिंह नगर के काशीपुर सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में डंपर की चपेट में आकर हेल्पर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से हेल्पर को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। चायराज के द्वारा उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों के अनुसार डंपर चालक खनन का लेवल समान करते समय चालक की लापरवाही से क्लीनर डाले में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। नैनीताल से 14 किलोमीटर हल्द्वानी की तरफ मनोरो रेंज में घने जंगल में एक्सीलेटर वायर से गुलदार का शव फंसा मिला। वहीं गुलदार का शव मिलने से वन विभाग का इलाके में शिकारियों की मौजूदगी का आशंका जता रहा है। मौके पर गुलदार के पेट में बनी तार के तने से बंदी मिली और माना जा रहा है कि तार में फंसे गुलदार ने बचने की जीतोड़ कोशिश की होगी, लेकिन इसी बीच वनाग्नि धधकने से भी इसकी असमय दर्दनाक मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने चिलीकोट क्षेत्र में मिले गुलदार को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि इसी क्षेत्र में 25 जून 2018 को भी एक गुलदार इसी तरह तार में फंस गया, मर गया। राजधानी देहरादून में 7 मई को सस्त्रधारा रोड पर समरजा की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। समरजा पर 5 राउंड फायर किए गए। पुलिस ने हत्या मामले में शामिल मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया और समरजा को गोली मारने वाला आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के मारे तो मुख्य आरोपी ने अपने माता पिता के कहने पर युवती को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी और हत्या के लिए मुजफ्फरनगर के एक गैंग को 2 लाख की सुपारी दी और मामले में पुलिस पकड़े गए आरोपियों से मुजफ्फरनगर के गैंगस्टरों के बारे में भी जानकारी ले रही है। बता दें कि समरजा पिछले 7 सालों से राकेश गुप्ता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जिससे राकेश की अपनी पत्नी सीमा सिंगल के साथ आए दिन झगड़े हुआ करते थे, जिसके बाद राकेश के बेटे ने योजना बनाई।